एक तरफ जहां लगातार जो है सरकार लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग जो है योजनाएं ला रही हैं, धरातल पर जोड़ने के लिए लोगों को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है, वहीं आपको बताते चले कि 2007 में यानी रेल विभाग की तरफ से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन की नींव रखी गई। अभी तक यानी आपको बताते चले 2007 से वहाँ के लोगों का इंतजार है, 1 करोड़ लगभग आबादी उससे प्रभावित है, 4 लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक जो है चारों संसदों ने एक तरीके से कहे तो उसको अल्टीमेटम यानी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार जो है रेल संघर्ष समिति के द्वारा वहाँ पर मेल मिलाप किया जा रहा है, वहाँ के लोग जा रहे हैं यानी अपने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अभी हाल ही के दिनों में लगातार जो वहाँ के लोग हैं संघर्ष समिति के जो लोग हैं सड़क पर यानी रेलवे लाइन पर उतर गए और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं यानी जो रेल के नीचे आ गए थे लेकिन उस कुशल बच गए हैं। 15 डब्बा उनके यानी चंदन कुमार वर्मा जी हैं, 15 डब्बा उनके ऊपर गुजर गया, तब रेल रोकी गई लेकिन वो सुकुशल निकल गए। लेकिन साफ साफ उनसे हम बात करते हैं कि आखिर में कब तक ये लोग आंदोलन चलते रहेगा। रेलवे ये जो बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है शिलान्यास का 16 साल बीत जाने के बाद भी ये धरातल पर नहीं उतर सका है और ये मांग 43 वर्षों से किया जा रहा है और हम लोगों ने लगातार शिलान्यास के बाद जब 2 साल 3 साल जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया इस मांग को लेकर और इस मांग को लेकर क्षेत्र में भी धरना प्रदर्शन अनशन तक किया गया। DRM ऑफिस में दानापुर भी किया गया उनके सामने, हाजीपुर GM में भी किया गया, जंतर मंतर पे भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही है, हम लोगों की जो मांग है सरकार सुन नहीं रही है और हम लोग को मजबूर होकर बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर स्टेशन बिहटा स्टेशन पे पटरी पे उतरना पड़ा। अगर ये रेल परियोजना अगर धरातल पर उतार दिया जाता तो हम लोगों को शौक किसी को नहीं है कि पटरी पे उतर के अपनी जान जोखिम में ले, हर किसी को जान को प्यारा होता है, लेकिन जो सरकार की चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे NDA सरकार रही है उनकी जो नीतियाँ रही हैं उनके उन लोगों ने मजबूर किया हम लोगों को इस तरह से आंदोलन करने का। अगर जो चीज़ सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उसको उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ता है मजबूरी में, अगर सीधी उंगली से घी निकलती तो टेढ़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो उस टाइम हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्वक, उसी क्रम में सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन थी जो आई और पूरा अफरा तफरी मच गई वहाँ पे और हम लोगों का जो मकसद था कि 1 करोड़ जनता की बात है, विकास की बात है, अगर ट्रेन को नहीं रोका जाए तब तक ये जो मैसेज है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हम लोग सिर्फ मैसेज वहाँ पहुँचाने का बात है लेकिन ट्रेन रुकी नहीं और हम पटरी पे लेट गए। हाँ पटरी पे लेट गए, 15 बोगी हम मेरे ऊपर से क्रॉस कर गया और वो जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोई तो पर्सनल लड़ाई था नहीं मेरा, 1 करोड़ जनता का प्यार और आशीर्वाद था कि मैं बच गया और उन्हीं के जोश और लड़ाई को लेकर वहाँ पर लड़ रहे थे। केस भी हुआ आपके ऊपर? हाँ केस तो ये सब चीज़ छोटे मोटा होते रहता है। हाँ रेलवे विभाग के ऊपर से OBD जो है वो तो कॉलम पूरा होता ही है लेकिन हम केस से क्यों डरेंगे, जब यहाँ जान दे रहे हैं तो केस कौन सा बड़ा चीज़ है। अभी तो BJP की गवर्नमेंट है, उस समय लालू प्रसाद यादव थी यानी UPA की सरकार थी, उस समय उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, लेकिन जो 2 साल बाद सरकार खत्म हो गई एक तरीके से कहते 14 तक ये सरकार रही, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री नहीं रहे, दूसरे UPA के ही लोग रहे रेल मंत्री, लेकिन अभी तक जो है BJP की भी सरकार बनी, BJP के रेल मंत्री रहे, राज्य रेल मंत्री मनोज सिन्हा भी रहे उसके बाद से 14 में बने थे, लेकिन अभी तक विपक्ष के लोग मिलने गए या पक्ष वाले लोग जो नेता स्थानीय नेता किस तरीके से पहल हुई है, बात हुई है कि हम रेलवे को इस मैसेज देंगे। ये बात तो बहुत अच्छा आपने पूछा कि इस पे विपक्ष भी कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, लेकिन विपक्ष एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी तो ललन सिंह संसद भवन में साफ साफ बोल रहे थे कि हमारे साइड में अथम गोला से लेकर के अलग अलग जगह जो ठहराव है कोरोना काल में बंद किया गया था उसको पुनः चालू किया जाए। आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोले हैं और लालू जी शिलान्यास किए थे तो उनकी पार्टी भी नहीं कोई एक शब्द बोल रहा है इस चीज़ को, जबकि मीसा भारती जी उनकी पुत्री हुई और उसी से हमारे क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव लड़ती हैं, लेकिन आज तक एक भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी के द्वारा इस तरह का शिलान्यास किया गया है, क्या आप विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं आप खुद से? आपको तो इस चीज़ को आवाज़ उठाना चाहिए था,
इसका मुद्दा बना इसमें विपक्ष भेंट चढ़ रहा है। हाँ, विपक्ष का भी भेंट चढ़ रहा है, मतलब कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार इस रेल परियोजना के बारे में नहीं है। इससे साफ दर्शा रहा है कि बिहटा से औरंगाबाद जो 118 किलोमीटर है उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं चाहता है। ये भी कहा जाता है कि नक्सलवाद एरिया है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो, ये नक्सलवाद एरिया रहे, यही ना आप चाहते हैं। यातायात का सबसे बड़ी एक सबसे बड़ा होता है, हाँ, लोगों को पहुंचने आने जाने की सुविधा होती है, ट्रेन रहता है, तो जो महंगाई है वो भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के जरिए जो सामान जाता है इधर से उधर उसमें भी बढ़ जाता है। ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जब इतनी बड़ी छोटी चीज आप पत्रकार महोदय आप समझा दे रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है उस चीज को कि साधन की वजह से क्या क्या आपके सांसद पे प्रभाव पड़ती है। आपके सांसद तो बीजेपी से ही है। हाँ, उनसे भी लड़ाई हो रही है लगातार, मैं बोल रहा हूँ। चार चार सांसद एनडीए के रह चुके हैं और अभी भी हैं फिलहाल, और चार जिलों को जोड़ता है। मैं तो सभी से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ज्ञापन ओपन दिया आप लोग कभी? मैंने बिल्कुल लगातार ज्ञापन ही दिया जा रहा है, चाहे चारों सांसद को ज्ञापन दिया गया है, रेलवे मिनिस्टर को दिया जा रहा है, डीआरएम को दिया जा रहा है, डीजीएम को दिया जा रहा है, मोदी जी को भी ज्ञापन दिया गया है, हमेशा मेल वगैरह किया जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन हर बार चीज़ें बरगलाई जा रही है। जो बरगलाने का काम सिर्फ बरगलाने के काम किया जा रहा है। कितने लोग उससे सुविधा मिलेगी अगर परियोजना चालू है, रेलवे परियोजना? एक करोड़ जनता का सवाल है ये, और लोग प्रभावित हैं। एक करोड़ प्रभावित हैं, चार जिला प्रभावित है, चार लोकसभा संसदीय क्षेत्र प्रभावित है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक करोड़ तो जनता अभी फिलहाल है, और आने वाले जो पीढ़ी है अगर उसको मिला दिया जाए तो समझिए कि अनगिनत हो जा सकते हैं। तो उनके भविष्य के लिए मैं तो यही आग्रह करूँगा मोदी जी कि आप एक करोड़ जनता की और उनके बच्चे भविष्य के लिए, क्षेत्र के लिए ये परियोजना आप लोग धरातल पर उतारने का काम करें। कितने लोग आंदोलन कर रहे थे आपके साथ? हम लोग करीब 500 करीब लोग आंदोलनकारी लोग। 500 बल प्रयोग भी किया गया आप लोगों के ऊपर? प्रशासन का तो बल प्रयोग रहेगा ही ना, जो विधि व्यवस्था है वो लोग तो अपना जो है नियम कानून तो अपना करेंगे ही, लेकिन उसकी हमको चिंता नहीं है। बस हमें ये चिंता है रेल परियोजना किसी तरह से आ जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार वर्मा, बिहटा औरंगाबाद, रेल परियोजना संघर्ष समिति संयोजक। हाँ जी, है साफ साफ इनका कहना है कि जब तक यानी ये रेल परियोजना है चालू नहीं होगी तब तक लगातार जो हमारी संघर्ष समिति है वो आंदोलन करती रहेगी। लेकिन आपको बताते चले, एक तरफ जहाँ एक्सप्रेसवे की बात होती है, पुल की बात होती है, लगातार बिहार सरकार ही, केंद्र सरकार भी लगातार एक्सप्रेसवे पर ध्यान दे रही है, 4 लेन 6 लेन की बात हो रही है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, सब्जी मंडी से कैसे लोगों को जोड़ा जाए, अलग अलग परियोजना से कैसे जोड़ा जाए। लेकिन वही बिहटा औरंगाबाद की रेल परियोजना की बात कर ले तो उसमें साफ साफ इनका कहना कि इससे चार लोकसभा संसदीय क्षेत्र प्रभावित है और साथ ही साथ 1 करोड़ लोग अभी भी प्रभावित है, यानी उनके घरों तक जाने के लिए रेलवे से नहीं जा सकते, या तो ऑटो से जाएंगे या तो बस से जा सकते हैं, यानी जो दूरी है वो 2 घंटा में तय करनी है, 1 घंटा में तय करनी है, उनको 4 से 5 घंटा लग सकता है, समय पे जा नहीं सकते हैं, नक्सली क्षेत्र भी है। नहीं, साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार को जो काम करना चाहिए, जो विपक्ष के नेताओं को काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव उसका शिलान्यास किए थे, लेकिन तक अभी भी वो जो परियोजना है अधर में लटका हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आखिर में कब तक यानी रेल प्रशासन के द्वारा कब तक इसको यानी शुरुआत किया जाता है, या वैसे ही ठंडे बस्ते में रेल परियोजना चलती रहती है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।